हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको और भी अच्छा करने के लिए लारी फूड हब आपके लिए लेकर आई है न्यू रेसिपी। बिकॉज खाना बनाना हुआ और भी इजी क्योंकि आपके पास है लारी फूड हब की रेसिपी। और हाँ गाइस, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ गाइस, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज गाइस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एग अफगानी की रेसिपी। तो चलिए गाइस, इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हम अंडे को बॉईल कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पानी को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके अंडे को ऐड करेंगे। यहाँ मैं आधा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने इसलिए ऐड किया है जिससे कि हमारे अंडे फूटे नहीं। अंडे को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ मैं पानी में एक एक करके अंडा ऐड कर रही हूँ। जब तक अंडे बॉईल हो रहे हैं तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, हम अब इस ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ गाइस मैंने कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल ऐड किया है। अब हम ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे। जब ऑयल हमारा अच्छे से हीट हो जाए तब हम उसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज को ऐड की हूँ। यहाँ मैंने 2 से 3 टुकड़ा अदरक और 7 से 8 कलियाँ लहसुन की ली हैं। और 4 से 5 यहाँ मैंने हरे मिर्च और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि काजू, बादाम और अखरोट। यहाँ मैं प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बस हम यहाँ प्याज को सॉफ्ट होने तक का ही पकाएँगे। जब हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाए तब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमको कितना प्याज को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाए तब तक को हम इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, अंडा भी हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। हमने उसको छील के इसमें कट लगा दिया है। अब गाइस हम अंडे को फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं 1 चम्मच ऑयल में अंडे को ऐड की हूँ। इसमें थोड़ा सा हल्दी और 1 चम्मच तक हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब हम अंडे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, जैसे वीडियो में शो हो रहा है सेम एज इट इज़, आपको भी ऐसे ही अपने अंडों को फ्राई करना है। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को तो ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ गाइस, हमारे चैनल पे एग की बहुत सारी रेसिपी हैं, उसकी एक मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार किया है, तो आप वहाँ से वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ गाइस, हमारे चैनल पे बहुत सारी रेसिपी हैं नॉनवेज की, वेज की, तो आप वहाँ से हमारे चैनल पे सारी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, अंडा हमारा फ्राई हो गया है। तो गाइस, हमने प्याज को फ्राई करके और ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे, वो ठंडे हो गए। अब हम उसका फाइन पेस्ट रेडी करेंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ती का। गाइस हम एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब हम गाइस जिस ऑयल में अंडे को फ्राई किए थे हम उसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। लौंग, इलायची, दालचीनी और 1 तेज़पत्ता। उसको हम 2 से 3 सेकंड तक क्रैकल होने देंगे। देन हम उसमें ऐड करेंगे जो हम पेस्ट तैयार किए थे प्याज का, हम वो पेस्ट ऐड करेंगे और मसालों को अच्छे से 6 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल ही मीडियम कर देंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम दही। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से बीट कर दिया था, जिससे कि दही हमारा बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हो गया है। फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। जब गाइस हम दही ऐड करेंगे किसी भी चीज़ में तो हम फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ ज़ीरा और 1/2 चम्मच यहाँ मैंने ऐड किया है काली मिर्च पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हम 6 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसको ढक के पकाएंगे, जब तक कि इसकी ऑयल रिलीज ना कर दे। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ऑयल हमारा मसाला अच्छे से रिलीज कर दिया, यानी कि हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए अंडे। जो हम अंडे को फ्राई करके रखे थे हम उस अंडे को ऐड करेंगे। फ्लेम हम गाइस बिल्कुल ही लो रखेंगे। अंडे के साथ हम इस मसालों को 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। और हाँ गाइस, ये तो एग अफगानी की रेसिपी है। अगर आपको चिकन अफगानी की भी रेसिपी देखनी हो तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट भी है, तो आप वहाँ से वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वो हमारी चिकन अफगानी की रेसिपी कैसी लगी।
अब हम इसमें एक चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ ऑलमोस्ट हमारी एग अफगानी तैयार हो गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे घर की निकाली हुई फ्रेश क्रीम। आप बाहर से भी अमूल की फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 से 5 चम्मच फ्रेश क्रीम का यूज़ की हूँ। अगर आप चाहें तो घर की भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, या तो आप चाहें मार्केट की अमूल फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारी एग अफगानी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको गाइस रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ खाना चाहें आप इसको खा सकते हैं। मेरे चैनल पे लच्छे पराठे की भी रेसिपी है। अगर आप चाहें पराठे के साथ खाना तो आप वहाँ से वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे दोनों पे वीडियो ऐड कर दूंगी। आई होप गाइस आपको ये हमारी एग अफगानी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।